बिहार के रहने वाले आईपीएस संतोष मिश्रा का हाल ही में रामपुर पुलिस अधीक्षक से प्रयागराज ट्रांसफर हो गया है, क्योंकि संतोष मिश्रा के खिलाफ आजम खान पर दर्ज मुकदमों में पुलिस रिपोर्ट नहीं भेजे जाने की शिकायत थी। साथ ही कोर्ट में आजम खान से पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों की मुलाकात कराए जाने के मामले में संज्ञान लेते हुए सरकार ने उनका ट्रांसफर कर दिया है। आईपीएस संतोष ने साल 2011 में यूएस में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की 50 लाख के पैकेज वाली नौकरी छोड़कर सिविल सर्विस की तैयारी की और जिसके बाद उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही देश के सबसे बड़े एग्जाम को पास कर लिया और उनकी पहली पोस्टिंग अमरोहा जिले में हुई थी। दरअसल संतोष पटना के रहने वाले हैं और उनके पिता लक्ष्मण मिश्रा आर्मी से रिटायर्ड हैं। संतोष ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई बिहार में रहकर ही 2004 में पुणे यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इसके बाद उनका सिलेक्शन यूरोप की एक कंपनी में हुआ। वहां उन्होंने पूरे 4 साल जॉब की और फिर यूएस में भी कुछ साल जॉब की, जहां उनका 50 लाख का सालाना पैकेज था। लेकिन वहां मन नहीं लगने की वजह से उन्होंने जॉब छोड़कर देश के लिए कुछ करने का सोचा और सिविल सर्विसेज की तैयारी की और 2012 में आईपीएस बन गए और उनकी पहली पोस्टिंग अमरोहा जिले में हुई। साल 2017 में उनकी पोस्टिंग अंबेडकर नगर में हुई। आपको बता दें कि संतोष मिश्रा को बच्चों के साथ वक्त बिताना बहुत पसंद है। अक्सर वो वक्त निकालकर सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने पहुंच जाते हैं। न्यूज़ डेस्क।